रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मेघा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए रेस यहां पर दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब यहां विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त भी ये दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार थे, लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत को दे दी गई। लोकसभा चुनाव 2019 में राजस्थान की लोकसभा सीटों पर चुनावी नतीजे जो सामने आए हैं उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, खाता तक नहीं खुला है, जिसके बाद इस हार का बिल किसके नाम पर फाड़ा जाए ये सवाल उठ रहा है। अशोक गहलोत अपने इंटरव्यू में इस हार का जिम्मेदार सचिन पायलट को ठहराते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा जो जोधपुर के सीट से हारा है, यानी वैभव गहलोत जो जोधपुर से प्रत्याशी के तौर पर मैदानी जंग में उतरे थे, यहां पर हार गए, इस हार का जिम्मा सचिन पायलट को लेना चाहिए। इस तरह की बात अशोक गहलोत ने कह दी। सचिन पायलट का कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम तरह के यहां पर दावे किए जा रहे हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद राजस्थान में दे देना चाहिए, ऐसी खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। एक यहां बयान सामने आया है कांग्रेस विधायक का, कि कांग्रेस विधायक कौन है, इनका नाम क्या है, अपने बयान में इन्होंने किस तरीके से अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए जनता अब एक युवा मुख्यमंत्री चाहती है ये दावा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा है कि अब मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को सौंप देना चाहिए। ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान की गरमाई हुई सियासत में, राजस्थान में जो आग लगी है राजनीति के अखाड़े में, उसमें घी डालने का काम इस कांग्रेस विधायक के बयान ने किया है। ये बयान क्या कहता है और ये बयान किस तरीके से राजस्थान में सब कुछ बदल कर रख सकता है, कैसे ये एक बयान राजस्थान की सियासत को बदल कर रख सकता है, कैसे सचिन पायलट को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक के बाद एक लगातार गुजारिश की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, और इन सब के बीच में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कौन सा नया मोड़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ले लिया है, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए जरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर पार्टी में काफी कुछ गरमाया हुआ है। अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर काफी सारी बातें यहां पार्टी में हो रही हैं, और अब इन सब के बीच में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मांग उठ गई है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राज्य सरकार के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसके परिवर्तन की मांग उठने लगी है। अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच गुटबाजी सामने आने लगी है। राज्य में कांग्रेस विधायक पीआर मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बयान दे दिया है। मिली जानकारी की माने तो राज्य की टूडा भीम विधानसभा से कांग्रेस विधायक पीआर मीणा ने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लोकसभा चुनावों में हार की सबसे बड़ी वजह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाया जाना है और इस हार की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विधायकों की बात नहीं सुनते, राज्य का मुख्यमंत्री अब कोई युवा चेहरा होना चाहिए, इतनी बड़ी बात कांग्रेस विधायक पीआर मीणा ने कह दी है। राजस्थान में दरार पड़ चुकी है, पार्टी विधायक जो हैं इन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। इन सबके बीच में आपको एक और बात बता दें, ये जो इतना बड़ा बयान सामने आया है, ये बयान आखिर आया क्यों है? ये बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि वैभव गहलोत जो उनके बेटे जोधपुर से हारे हैं, इसके लिए सचिन पायलट जिम्मेदार हैं। इस बारे में बात करते हुए बी आर मीणा ने कहा कि अपने बेटे वैभव की हार के लिए सचिन पायलट जिम्मेदार अशोक गहलोत ने ठहरा दिया, जो जरा भी गलत नहीं है। इन सबके बीच में आपको बता दें, सचिन पायलट ने कहा कि वैभव बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे, ये दावा उन्होंने किया। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताई, और अब जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के नाम पर हार का बिल फाड़ा,
कांग्रेस विधायक बीआर मीना ने कह दिया है कि राज्य में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है और इसके लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये तमाम चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक मुख्यमंत्री का पद उठाकर नहीं दे दिया जाता सचिन पायलट को। दावा किया है कांग्रेस विधायक ने कि जब तक सचिन पायलट यहां पर उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, राजस्थान की जनता के बीच पकड़ मजबूत नहीं होगी। देखना होगा विधायकों की मांग के बाद क्या वाकई यहां पर बदल जाती है राजस्थान की सियासत, क्या विधायकों की मांग के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री में हो जाता है बड़ा फेर बदल, क्या वाकई ये सब कुछ हो जाने के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट सामने आते हैं। इन सब सवालों का जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल पार्टी में बवाल खूब सारा मचा हुआ है।